हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी कोटा क्लासरूम चैनल द ग्रेट होल नीट। माय सेल्फ लोकेश चौधरी। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। तो लास्ट क्लास में हमने नॉर्मलिटी की बात की थी, आराम से वहां पे नॉर्मलिटी हमने दिखा था। नॉर्मलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और इक्विवेलेंट्स क्या होते थे? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट आपके पास होता। दो जर्नी हमने लास्ट क्लास में पूरी की थी, आज हम आगे पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है ना बच्चों, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है रिडॉक्स की, है ना। तो जो आगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस डायरेक्टली हमारे पास किस में काम आएगा, जब आगे हम टाइट्रेशन पढ़ेंगे उसमें भी काम आएगा। तो बहुत आसान सी चीज है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सो मायसेल्फ लोकेश, दिस इज माय प्रोफाइल। और तो बच्चों, जो देखो, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, आगे पास जो बच्चों को पता नहीं है, लोकेश सर केमिस्ट्री टाइप करोगे टेलीग्राम में तो यहाँ पे आपको लेक्चर्स के पीडीएफ, सारे केमिस्ट्री के नोट्स मिल जाएंगे आपको, क्विज एंड टेस्ट पेपर आपको यहाँ मिल जाते हैं इस चैनल पे। और जो स्पेशल क्लासेस होती है उनका शेड्यूल भी आपको यहाँ पे अपडेटेड रहता है। सो ज्वाइन दिस चैनल आगे पास। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है लोकेश सर केमिस्ट्री अंडरस्कोर अकेडमी। तो आपको क्या करना बच्चों, यहाँ पे केमिस्ट्री का डाउट आप मुझसे पूछ सकते हो, किसी भी केमिस्ट्री का डाउट आपके पास। और द ग्रेट होल नीट हमारे चैनल का आपके पास क्या बच्चों की आपके पास टेलीग्राम लिंक आपके पास है। तो बच्चों, जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना आपके पास। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस आपके पास। अब बात करते हैं बच्चों की अब आपको पढ़ना होता है पास। तो अगर मैं कोर्सेज अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आपको पढ़ना है आपको, तो जैसे मैं आपसे बात करता हूँ प्लस और आइकॉनिक की, अगर हम बात करते हैं तो प्लस में आपको मिलता है डियर स्टूडेंट्स लाइव क्लासेस मिलती है, एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है, अनलिमिटेड एक्सेस और वीकली टेस्ट आपको मिलता है। अगर आपको अपनी रैंक को बूस्ट करना है, एक आपको क्या चाहिए, एक अच्छा टेस्ट स्ट्रक्चर चाहिए आपको, आप मतलब एक टीचर चाहिए आपको, और आपके पास क्या चाहिए आपको, उसके अलावा आपके पास एक वीकली टेस्ट, अच्छे टेस्ट सीरीज आपके पास, अच्छे टीचर्स जो आपको अच्छे से पढ़ाए, वो सब कुछ आपको मिलता है अनअकैडमी पे आपके पास। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब हो गया, कभी क्लास मिस हो गई तो बाद में भी आप वीडियो देख सकते हो, या अगर कोई टीचर का समझ नहीं आता दूसरा टीचर भी आप का वीडियो भी देख सकते हैं आपके पास। अब क्या करता है, आपको अपनी प्लान्स को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना है तो आपको एक मेंटोर चाहिए। मेंटोर आपको मिलता है बच्चों आइकॉनिक पे। तो आइकॉनिक पे मेंटोर आपको क्या करता है, पर्सनली गाइड करता है आपके पास, पर्सनली गाइड करता है आपको। वहां पे टेस्ट एनालिसिस होता है, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी मटीरियल्स और स्टडी प्लानर्स आपके पास होते हैं। तो एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक अच्छा टीचर्स, तो इंडिया के टॉप एजुकेटर आपके पास, नॉट ऑफ एनी पर्टिकुलर सिटी, इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको यहाँ पे टीच करते हैं, तो इसके लिए आपके पास है ना यहाँ पे। अब मैं प्राइसेस की अगर मैं बात करता हूँ बच्चों, कि आपको अपना प्लान चूज करना है कि आपका टारगेट एग्जाम 6 महीने बाद है, 1 साल बाद में, या ऑलमोस्ट 2 साल बाद में आपके पास, उस अकॉर्डिंग आप अपना प्लान चूज कर सकते हैं। अब जितने लॉन्ग टर्म का कोर्स परचेज करते हो प्राइसेस उतने ज्यादा क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और जब आप एलसी नीट कोड यूज करते हो, लोकेश चौधरी कोड ना नीट कोड यूज करते हो, तो आपको पूरा 10% डिस्काउंट मिल जाता है। और देखो साल भर का कोर्स इतने अमाउंट में मिल जाता है, जो काफी अफोर्डेबल है, इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको यहाँ टीच करते हैं आपके पास। अब मैं बात करता हूँ आइकॉनिक के प्राइसेस की, अगर बात करें बच्चों, देखो आइकॉनिक में 3 फीचर्स अलग से आपके पास, लाइव मेंटरशिप, लाइव डाउट सॉल्विंग, फिजिकल नोट्स, पर्सनल गाइडेंस, तो फीचर्स अलग थे। तो इनके प्राइसेस की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे 6 महीने ना टारगेट एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, 1 साल या ऑलमोस्ट 2 साल बाद के प्लान अगर लेते हो, तो आपके पास यहाँ क्या होगा, यहाँ पे भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा जब आप एलसी नीट लोकेश चौधरी नीट कोड आप यूज करते हैं तब। और यहाँ पे पूरे साल भर का कोर्स 50,500 में आपको मिल जाता है आइकॉनिक में आपके पास। ओके, सो चूज प्लस और आइकॉनिक में आप अपना चूज कीजिए आपके पास। ओके बच्चों, चलो अब अपना सेशन स्टार्ट करते हैं के पास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस आपके पास। तो लॉ केमिकल इक्विवेलेंस क्या था आपके पास, है ना। लॉ केमिकल इक्विवेलेंस रहता है कि यहाँ पे कभी भी आप लॉ केमिकल इक्विवेलेंस अप्लाई कर रहे हो ना, तो हमें रिएक्शन को कभी बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती है आपके पास। सिंपली लॉ केमिकल इक्विवेलेंस हमें बोलता है कि जैसे कोई केमिकल रिएक्शन होती है आपके पास, रिएक्टेंट्स ए प्लस बी को दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्टेड करके प्रोडक्ट बनाते हैं सी प्लस डी। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस बोलता है कि इक्वल अमाउंट ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म इक्वल अमाउंट्स ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट आपके पास। तो रिएक्टेंट के जितने इक्विवेलेंट्स होंगे वही आपके पास, जो आपस में रिएक्ट करेंगे उतने इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, प्रोडक्ट के बनेंगे आपके पास। तो समझ में आ गया, तो इसमें लिख लो आपके पास लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लिख लो इसमें। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अगर आपके पास ये केमिकल इक्वेशन आपके पास हो गई, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ आपके पास ये कोई केमिकल इक्विवेलेंस है आपके पास, केमिकल रिएक्शन आपके पास हो गई, स्टोइकोमेट्री आपके पास, सपोज इस तरह से ना, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ है ना आपके पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आपके पास, यहां से अगर मैं बात करता हूं मेरे पास, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ए रिएक्ट्स इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ इक्विवेलेंट्स
of B react equal to number of equivalent of C formed equal to number of equivalents of C formed is equal to number of equivalents of D formed आगे पास, यहां से है ना D formed आगे पास। तो यहां पे एक्चुअली क्या होगा, जितने equivalents रिएक्टेंट के रिएक्ट करेंगे आगे पास, रिएक्टेंट में क्या होंगे इक्वल होंगे आगे पास, उतने इक्वलेंट्स क्या होंगे प्रोडक्ट के फॉर्मेशन होंगे आगे पास यहाँ पे। तो पहला पॉइंट आगे पास होता है लॉ ऑफ केमिकल इक्वलेंस का आगे पास यहाँ से। पॉइंट नंबर टू में आगे पास सिंपल समझ में आ गया, इक्वलेंट्स समझ में आ गया यहाँ से। इक्वलेंट्स क्या होता था बच्चों, इक्वलेंट्स क्या होता था यहाँ पे, तो नंबर ऑफ इक्वलेंट्स आगे पास क्या होते, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था आपके पास नंबर ऑफ इक्वलेंट्स आगे पास होते थे, नंबर ऑफ इक्वलेंट्स आपने लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था क्या होता था, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू क्या होता है नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम। और दूसरा एक और फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वो आपको क्या बताया था, मोल्स इंटू एन फैक्टर, मोल्स इंटू एन फैक्टर आगे पास, एन फैक्टर आगे पास जो एन फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर आगे पास। तो यहां से आपको सिंपल क्या करना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आगे पास क्या होता है नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम किसमें हो गया लीटर में आगे पास हो गया ना। कभी कभार हो सकता है आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अगर बराबर है तो मिली इक्विवेलेंट्स भी क्या होंगे बच्चों बराबर होंगे, तो वहां पे सिंपल आगे पास हो जाएगा कि यहाँ पे मिली मोल आ जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम किसमें आ जाएगी मिली लीटर में आगे पास आ जाएगी। समझ में आ गया, तो सिंपली दिस इज द सिंपल थिंग्स अबाउट है ना लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट्स आगे पास। केमिकल इक्विवेलेंस कहता है कि अगर आपके पास अगर कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस आगे पास है तो वो क्या करेगा प्रोडक्ट में भी उसके जितने इक्विवेलेंट होंगे उतने इक्विवेलेंट आपके पास क्या देगा प्रोडक्ट में देगा आगे पास। तो अगला पॉइंट एक और पॉइंट इसमें आता है यहाँ पे, अगर मैं थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ पास यहाँ पे कि सपोज यहाँ पे आगे पास है बच्चों कि कोई कंपाउंड आगे पास है AXBY आगे पास, ये AXBY आगे पास है तो इसके इक्विवेलेंट्स क्या होंगे यहाँ पे AXBY आगे पास क्या देगा, तो यहाँ पे आगे पास क्या होंगे तो AXBY अगर कंपाउंड है आपके पास यहाँ से ठीक है तो इसके इक्विवेलेंट्स होंगे आपके पास वो बराबर होंगे आपके पास इक्विवेलेंट्स ऑफ ए और इक्विवेलेंट्स ऑफ बी आगे पास। तो यहाँ पे ये AXBY अगर कंपाउंड होता है आपके पास तो इधर देखो ये आपके पास AXBY का कंपाउंड आपके पास है तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा बच्चों, ये आपके पास क्या देगा है ना, ये A+Y देगा और ये क्या था B-X आपके पास, इस तरह का कंपाउंड देगा। इसको बैलेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ती जब भी लोग केमिकल इक्विवेलेंट अप्लाई करते हो तो देयर इज नो ना, तो एक पॉइंट लिख लो आपके पास When, तो नोट करके लिख लेना मतलब है ना यहां पे एक्चुअली क्या होगा इक्विवेलेंट्स ऑफ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स है ना, नोट अभी मैं करवा दूंगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ AXBY इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ है ना आगे पास केटाइन और दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एनायन आगे पास, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एनायन आगे पास, एनायन आगे पास। तो मतलब कोई कंपाउंड आगे पास तो आगे पास अगर इसका एक मोल है किसी पर्टिकुलर कंपाउंड का आगे पास है ना तो वो एक इक्विवेलेंट किसका देगा कैटायन का देगा और एक इक्विवेलेंट क्या देगा एनायन का के पास देता आगे पास। बिकॉज यहाँ पे इधर देखो जैसे आगे पास यहाँ पे है ना तो नीचे ना एनफैक्टर नीचे आता था ना वहां से ठीक है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ AXBY इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ A+Y इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ आगे पास एनायन आगे पास, एनायन क्या होगा पास B-X ठीक है यहां से। तो नोट करके लिख लो देयर इज नो नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन है ना, तो देयर इज है ना इसमें लिख लेना आपके पास देयर इज नो नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन व्हेन वी अप्लाई लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस है ना, आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं आगे पास, तो तब आगे पास है ना। कभी कभार क्या होगा कि जब कभी भी वो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस अप्लाई करवाएंगे तो ना वहां पे बैलेंस करने की जरूरत नहीं आगे पास, बस केवल इक्विवेलेंट बराबर करने हैं आगे पास ठीक है। अब ये जो चीज पढ़ी है सिंपल फंडामेंटल्स दस फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, फिजिकल केमिस्ट्री में सिंपली होता है बस जो चीज पढ़ी है उस पर क्या करो आप सीधा न्यूमेरिकल्स करो तो उससे क्या होगा आपका अच्छा कमांड हो जाएगा आगे पास। चलो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं ना, ना प्रैक्टिस है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स काफी अच्छी होनी चाहिए तभी फिजिकल केमिस्ट्री में आप क्या करोगे एक्सेल करोगे आगे पास। जैसे कि पहला सवाल आगे पास है यहाँ पे दिया हुआ है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फेरस ऑक्सिलेट आगे पास है ना, फेरस ऑक्सिलेट आगे पास क्या था, फेरस मतलब +2 में आयरन ना ऑक्सिलेट आगे पास, तो फेरस ऑक्सिलेट आगे पास Fe2O4 आगे पास है ना ऑक्सीडाइज बाई 1 मोल ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम आगे पास। तो ठीक है तो यहाँ पे इधर देखो सिंपली आगे पास क्या बच्चों, अब ये फेरस ऑक्सिलेट आगे पास है Fe2O4 आगे पास है ना और यहाँ पे इसकी KMnO4 की रिएक्शन आगे पास है एसिडिक मीडियम में आगे पास है ना। अब मुझे नहीं पता, अब मैं कहता हूँ कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट आगे पास बनते हैं आगे पास यहाँ से, ये केमिकल रिएक्शन आपको दी हुई है यहाँ पे
है ना, प्रोडक्ट्स बने हुए हैं। अब आपको एग्जैक्ट प्रोडक्ट्स नहीं पता, आपको क्या एग्जैक्ट प्रोडक्ट्स नहीं पता के पास, आपको सिंपली ये पता है कि आयरन को क्या करेगा, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि फेरस को किसमें भेज देता है के पास, KMnO4 फेरस को किसमें भेज देगा बच्चों, फेरस को भेज देगा फेरिक में भेज देता के पास, है ना, फेरस को किसमें भेज देता, फेरिक में आगे पास, फेरस कौन सा होता है Fe+2 आगे पास, और ये किसमें कितना होगा आगे पास, दिस इज Fe+3 आगे पास, है ना यहाँ पे, और ऑक्सीलेट को किसमें भेज देता है C2O4-2- को किसमें भेज देता है आगे पास, CO2 में आगे पास, है ना यहाँ पे CO2 में भेज देता था आगे पास यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आगे पास क्या है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फेरस ऑक्सीलेट ऑक्सीडाइज बाई 1 मोल ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम आगे पास, तो सिंपल क्या लग करोगे आगे पास, अब ये केमिकल रिएक्शन आगे पास है बच्चों, दिस इज द रिएक्शन आगे पास, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ फेरस ऑक्सीलेट इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4, तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप करोगे इक्विवेलेंट्स ऑफ फेरस ऑक्सीलेट Fe2O4 इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4, इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 आगे पास यहां से, है ना, इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4, ठीक है, इक्विवेलेंट्स ऑफ Fe2O4 आगे पास, तो इसके मोल्स कितने हो गए, ये आगे पास कितने हो गए, इसके मोल्स, है ना, इसके मोल्स में बोलता हूं X(N)² आगे पास, इसका N² आगे पास, ठीक है, इक्वल टू इसके मोल्स कितने आगे पास, KMnO4 के मोल्स कितने आगे पास, 1 मोल यहाँ पे, और इसका एसिडिक मीडियम में N-फैक्टर कितना होता है बच्चों, 5 यहाँ पे। अब केवल आपको इक्विवेलेंट आगे पास का Fe2O4 का N-फैक्टर निकालना है, तो कितना आएगा, नो इट्स N-फैक्टर कम्स आउट टू बी 3 आगे पास, अभी मैं बताऊँ, ये मैंने 3 बताया था आपको, और यहाँ पे कितना 5, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, एक्स का वैल्यू आ गया 5/3, तो आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ से आंसर आपके पास हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन विल बी योर आंसर। इसका N-फैक्टर 3 कैसे आया था आपके पास, इधर देखो, ये मैंने आपको एन फैक्टर कैलकुलेशन में भी आपको बताया था, तो आपके पास क्या है Fe2O4 आपके पास है, Fe2O4 आपके पास है यहाँ पे, इधर देखो यहाँ पे आपके पास Fe किसमें आपके पास है +2 में आपके पास है। अब एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसमें भेजेगा इसको, इसको किसमें भेजेगा आपके पास +3 में भेज देगा, ध्यान से इधर देखो, इसको किसमें भेज देगा +3 में भेज देगा, आयरन को +3 में भेज देगा, और C2O4-2- को किसमें भेजेगा CO2 में भेज देगा। तो यहाँ पे कार्बन का कितना बच्चों, यहाँ पे मुझे बताओ कार्बन यहाँ पे कितना है, कार्बन +4 आपके पास, और यहाँ पे कार्बन कितना है आपके पास +3 आपके पास है, यहाँ पे इधर देखो कितना चेंज आ रहा है, +2 से +3 एक का चेंज आ रहा है, +3 से +4 एक का चेंज आ रहा है, कार्बन में कितने टर्म्स 2, तो कितना होगा 3, तो एन फैक्टर कितना होगा, एन फैक्टर कम्स आउट टू बी 3 आपके पास, यही तो मैंने बताया था आपको यहाँ पे, यही तो आपको बताया था, क्लियर है, समझ में आ गए, दिस इज द PYEQ आगे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आपके पास आया, तो ये आगे पास ना एक्स का वैल्यू कितना हो गया 5/3 आगे पास। समझ में आ गया, अब बस वही क्या है ना, लो केमिकल इक्विवेलेंस कब आसान हो जाएगा अपने लिए, जब आपको एन फैक्टर अच्छे से निकालना आता है ना, बिल्कुल कुछ नहीं करना, मोल्स इनटू एन फैक्टर, है ना, क्लियर हो गया, नेक्स्ट सवाल करें, हाँ अब आपके पास नेक्स्ट सवाल आपके पास है, इधर देखो ध्यान से देखना, समझना आपके पास ना, कुछ सवाल मैं करता हूँ शुरू में, फिर बाद में आपको करना है, फिर मैं सॉल्व करूंगा आपके पास, नेक्स्ट सवाल इधर देखो आपके पास, यहाँ पे बोला गया है हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 आर नीडेड टू ऑक्सीडाइज ए मिक्सचर ऑफ 1 मोल ईच ऑफ इन एसिडिक मीडियम, आपको दिया हुआ है, आपके पास दिया हुआ है कि एक मिक्सचर आपको दिया हुआ बच्चों, ये मिक्सचर आपको दिया हुआ है, ठीक है, और मिक्सचर में आपके पास क्या बच्चों, मिक्सचर में आपके पास है फेरस सल्फेट आपके पास, है ना, फेरस सल्फेट है प्लस आगे पास यहाँ से है Fe2O4 आगे पास है, Fe2O4 आगे पास है यहाँ पे, ठीक है, ये मिक्सचर आगे पास, ठीक है, इसकी रिएक्शन आगे पास हो रही है KMnO4 के साथ आगे पास, है ना, ये KMnO4 के साथ यहाँ पे इसकी रिएक्शन आगे पास हो रही है KMnO4 के साथ, यहाँ पे आगे पास क्या हो जाता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, कोई प्रोडक्ट यहाँ बन जाता है आगे पास, ठीक है, यहाँ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। बोला गया है हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 आर नीडेड टू ऑक्सीडाइज ए मिक्सचर ऑफ 1 मोल ईच ऑफ आगे पास, इसका 1 मोल दिया हुआ है यहां से, इसका 1 मोल दिया हुआ है मिक्सचर, 1 मोल इसका दिया हुआ है, 1 मोल इसका दिया हुआ है। अब आपको पूछा गया इसके कितने मोल्स की, एक्स मोल की जरूरत पड़ेगी आगे पास, है ना, इन एसिडिक मीडियम आगे पास, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन आगे पास है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इधर देखो आगे पास आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इक्विवेलेंट्स ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4, है ना, इक्विवेलेंट्स ऑफ मिक्सचर इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ दिस, और मिक्सचर में एक पास इसके इक्विवेलेंट्स प्लस, मतलब पूरे मिक्सचर के इक्विवेलेंट के बराबर होंगे, तो तब इसके बराबर कर दो आगे पास। अब इसमें क्या होगा आगे पास, यहाँ पे ये Fe+2 आगे पास है, यहाँ पे आगे पास क्या Fe+2 आगे पास है, किसमें भेज देगा ये +3 में, तो इस वाले का इन्फेक्टर कितना आ जाएगा 1, और इसको Fe2O4 है इसका 3 आएगा आपके पास, क्योंकि इसके +2 को +3 में और C2O4 में CO2 में, तो इसका इन्फेक्टर कितना आ जाएगा 3। चलो सोल्व करो आपके पास, यहाँ पे आगे पास, तो यहाँ पे आगे पास आ जाएगा इक्विवेलेंट्स ऑफ
मिक्सचर आगे पास, इक्विवेलेंट्स ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 आगे पास, इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 यहां से, और मिक्सचर में आगे पास कितना आ गया यहां पे भाई इसके इक्विवेलेंट्स, इक्विवेलेंट्स किसके आगे पास, इक्विवेलेंट्स ऑफ आगे पास है फेरस सल्फेट आगे पास इज प्लस इक्विवेलेंट्स ऑफ मिक्सचर में इक्विवेलेंट किसके आगे पास FeC2O4, FeC2O4 आगे पास इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 आगे पास, KMnO4 आगे पास यहां से आ गया है ना FeSO4 के आगे पास, तो मोल्स कितने आगे पास है यहां पे, तो इसके मोल्स n ऑफ FeSO4 यहां से है ना, और इसका n फैक्टर कितना हो गया आगे पास 1 प्लस 2 से प्लस 3 चला जाएगा आगे पास है ना, यहां पे इसके मोल्स कितने हैं n ऑफ इसके FeC2O4 के और इनटू n फैक्टर कितना आया 3, और इसका कितना होता है यहां पे इसके मोल्स इनटू मोल्स आगे पास इनटू 5 आगे पास यहां से मोल्स इनटू 5, इसके मोल्स कितने आगे पास है यहां से, ये वैल्यू कितना दिया हुआ बच्चों यहां से अगर मैं बात करता हूं वो वाली वैल्यू कितना मोल्स एक एक मोल दिया हुआ है 1 प्लस 3 इक्वल टू 5x आगे पास, तो x का वैल्यू आया 4 बाय 5 आगे पास 4 बाय 5 समझ में आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, क्लियर है, और मिक्सचर दे दे यहां पे एक से ज्यादा तीन अलग दे दे तो सिंपल आपको ध्यान रखना है कि कौन सा आगे पास जाएगा, क्लियर है ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल आपको खुद को करना है ना, इसको नोट कर लो, नेक्स्ट सवाल आपके पास हाँ नेक्स्ट सवाल आगे पास है यहाँ पे, अगला सवाल है मास ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट आगे पास है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या था बच्चों, पोटेशियम डाइक्रोमेट आगे पास क्या था K2Cr2O7 आगे पास K2Cr2O7 क्रिस्टल्स रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज इतना ये कितना 750 सेंटीमीटर क्यूब आगे पास है, मतलब ये आगे पास कितना हो गया ml आगे पास है 750 ml है ना सेंटीमीटर क्यूब के आगे पास है 750 ml आगे पास है यहाँ से ना, ऑफ इतना मोलर मोहर सोल्ट सॉल्यूशन आगे पास है ना, मोहर सोल्ट आपको दिया हुआ है, अब मोहर सोल्ट क्या था फेरस सल्फेट इनटू अमोनिया सल्फेट डॉट 6H2 आगे पास था यहां पे, मोहर सोल्ट मैंने बताया था ना एन फैक्टर कितना निकाला था मोहर सोल्ट का फेरस सल्फेट है ना अमोनियम सल्फेट एन फैक्टर मैंने क्लास में बताया था भूल गए है ना अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2 आगे पास, तो यहाँ पे आयरन किसमें होता था बच्चों प्लस टू में, प्लस टू से अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है तो किसमें जाएगा प्लस थ्री में जाएगा, तो एन फैक्टर कितना आता था टू है ना, यहाँ पे आयरन किसमें था आयरन था प्लस टू में, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होगा तो प्लस टू को किसमें भेजेगा प्लस थ्री में, तो इसमें चेंज कितना है यहाँ पे एन फैक्टर कितना आएगा आपके पास एन फैक्टर कम्स आउट टू बी वन, आपको मैंने बोला था आपके पास, अब यहाँ पे क्या करना है ना, तो बस आप इक्विवेलेंट बराबर कर दो है ना, यहाँ पे आप क्या करो इक्विवेलेंट बराबर कर दो सिंपल इक्विवेलेंट बराबर कर दो तो हाँ ठीक है, तो कैसे करोगे इक्विवेलेंट्स ऑफ डाइक्रोमेट इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ दिस, इसके इक्विवेलेंट क्या करोगे यहाँ पे नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम करोगे आपके पास है ना यहाँ पे, चलो करो सोल्व करो क्या आंसर आएगा बताओ भाई, जो मुझे लाइव में देख रहे बच्चों वो भी आप भी बताइए क्या आंसर आएगा इस ऑप्शन का ठीक है, तो ना आंसर एंड तक निकालना क्या आंसर आएगा आपके पास, ठीक है एक्चुअली क्या किया मैंने भाई इक्विवेलेंट्स ऑफ K2Cr2O7 इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ मोर सोल्ट आगे पास दोनों के इक्विवेलेंट्स आगे पास
यहाँ पे मोल्स, इसके मोल्स इंटू एन फैक्टर कर दिया, और यहाँ पे अब आपको अब मोल्स इंटू एन फैक्टर नहीं करोगे यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे अब क्या दिया हुआ, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम आपको दिया हुआ है उस वाले टर्म्स में, तो वो वाला आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। नॉर्मलिटी क्या होती थी, नॉर्मलिटी मैंने आपको बताया थी मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, आपके पास एन फैक्टर होता था, तो इसका एन फैक्टर कितना आएगा आपके पास, वन आएगा, मोलरिटी दी हुई है, वॉल्यूम आपको लीटर में लिखना 750/1000 कर दोगे आपके पास। अब यहाँ पे K2Cr2O7 का एन फैक्टर कितना आता था, 6 आता था, है ना, 6 आता था डायरेक्टली भाई, K2C+3 में जाता था आपके पास, ये +3 में जाता था आपके पास, तो 3 का चेंज आता था, दो एटम पे कितना डायरेक्टली याद है मैंने बताया था आपको, टू वेट अपॉन दिस मोलर मास, यहाँ से तो आंसर क्या आएगा बच्चों, व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस, सोल्व करो इसको कंप्लीटली, क्या आंसर आएगा यहाँ से, कौन सा आ रहा, ए ऑप्शन आ रहा है आपके पास यहां से ना, तो वैल्यू कितना हो गया यहां से, अगर 3 से कट हो गया तो 12 डिवाइडेड 40 आपके पास इतना आ रहा है, तो आंसर कितना आएगा आपके पास, ऑप्शन ए ऑप्शन कैसे आ रहा है यहां से, इधर देखो 12 8 आपके पास 8, हाँ हाँ ठीक है, ऑप्शन ए वैल्यू द आंसर, ठीक है क्लियर, समझ में आ गया। पहले आपने देखा था, पहले सिंपल देखो, इधर देखो अपन जो वेरिएशन क्या क्वेश्चन था आपके पास, पहले सवाल में सिंपल था आपके पास, दो आगे पास थे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल में हमने किया कि यहाँ पे तो मिक्सचर था आगे पास, हम मिक्सचर को क्या कर सकता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा, इसको भी ऑक्सीडाइज कर, दोनों को इक्विवेलेंट बराबर कर दिया आपने। अब यहाँ पे नेक्स्ट में क्या आगे पास था, यहाँ पे वेरिएशन था भाई, यहाँ पे अपन को क्या करना था कि अब इक्विवेलेंस के दोनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए भाई, इक्विवेलेंस क्या होता है, मोल्स इनटू एन फैक्टर या नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, तो कौन सा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना था अकॉर्डिंग टू दैट आगे पास, ठीक है। नेक्स्ट सवाल दो, हाँ अब अगला सवाल आगे पास है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ इतना नॉर्मल H2SO4 फॉर सोल्यूशन विल बी रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट रिएक्शन विद सोल्यूशन कंटेनिंग इतना ग्राम ऑफ प्योर Na2CO3 आगे पास, मतलब सिंपल आगे पास है यहाँ से कि ये Na2CO3 की रिएक्शन आगे पास है ना, और ये पास क्या H2SO4 आगे पास है, इस H2SO4 आगे पास, ठीक है। अब यहाँ पे इसके साथ कंप्लीट रिएक्शन आगे पास हो रही है ना, कंप्लीट रिएक्शन हो रही है, वो आपको यहाँ पे अगर प्रोडक्ट का ध्यान नहीं है, लेट्स फॉरगेट कि आपको प्रोडक्ट ध्यान नहीं आगे पास है ना, तो वैसे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बनता है आगे पास, कंप्लीट रिएक्शन आगे पास हो रही है, जो तो प्रोडक्ट बना सकते हो आप यहाँ से है ना, जो तो प्रोडक्ट क्या बना सकते हो कंप्लीट रिएक्शन है ना, तो यहाँ पे Na2SO4 या क्या H2+CO2 बनेगा, लेकिन आपको प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप जब भी लो केमिकल इक्विवेलेंस अप्लाई करते हैं तो हमें प्रोडक्ट की जरूरत नहीं होती, तो सिंपल यहाँ क्या करोगे, यहाँ पे सिंपल करोगे आप कंप्लीट आगे पास, इधर देखो कंप्लीट रिएक्शन हो रही है ना, कंप्लीट रिएक्शन हो रही है आगे पास, आगे पास पूरा है ना यहाँ पे, तो सिंपल क्या करोगे, इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 आगे पास, दोनों के इक्विवेलेंट्स आप बराबर कर दो, ठीक है। अब आंसर निकालो इसका, क्या आंसर आएगा ABCD ऑप्शन में से, व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस, निकालो भाई। यहाँ पे सोडियम 23 होता है ना, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 और सल्फर 32 है ना, H2SO4 का 98 आएगा आपके पास है ना, ओके सॉल्व कीजिए इसको ना, देखो चेक करो इसी तरह से सोल्व कर रहे हो आप कि हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ इतना नॉर्मल आगे पास, तो यहाँ पे आगे पास हो गया है ना, यहाँ पे कि मिलीलीटर आपको पूछा है, तो आगे पास यहाँ से निकालो नॉर्मलिटी आगे पास है ना, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम है ना, विल बी रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट द सॉल्यूशन कंटेनिंग इतना ग्राम ऑफ दिस, तो अच्छा Na2CO3 आपको दिया हुआ है, H2SO4 आपके बहुत चाहिए ना, तो इसकी नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम नहीं आगे पास, तो यहाँ पे सिंपल रखो मोल्स ऑफ Na2CO3 इंटू एन फैक्टर, एन फैक्टर कितना आएगा बच्चों यहाँ पे, सोल्ट आगे पास है
दो आएगा इन्फेक्टर के पास. सो सॉल्ट का इन्फेक्टर कितना होता है, टोटल चार्ज उनके टाइना के पास तो एन ए प्लस है, और ये कार्बोनेट कितना हो गया माइनस टू हो गया, तो टोटल चार्ज तो इन्फेक्टर इसका कितना आएगा, टू आगे पास आएगा यहाँ पे. अभी आगे पास कितना होगा, इसकी नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम कितना के पास है, वॉल्यूम इन लीटर के पास. ये वॉल्यूम ही तो आपको निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ लीटर के पास. इसके मोल्स कितने हो गए, ये 0.125 आपको दिया हुआ है. मोलर मास कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, सोडियम 23 तो 46 और 12 कितना हो गया 58 और 48 106 आगे पास 106. इसकी नॉर्मलिटी कितनी दी आगे पास, नॉर्मलिटी आपको दिया 0.1 और ये वी इन अगर आपको किसने पूछा है, अगर वी आगे ना इंटू टू और टू और आएगा आगे पास ना यहाँ से, तो वैल्यू का ना ऐसे टू से मल्टीप्लाई करोगे ओके, तो टू आपसे यहाँ से मल्टीप्लाई कर दोगे टू से. इसकी नॉर्मलिटी कितनी दी आगे पास, नॉर्मलिटी आपको कितना दिया हुआ है 0.1. अगर वी इन एम एल में चाहिए है ना, लीटर है तो हम इसको किसमें कन्वर्ट कर दो आगे पास, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो है ना. एक लीटर में कितना एम एल होता है, 1000 एम एल आगे पास, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया 100. वी इन एम एल कितना आ गया, वी इन एम एल आगे पास हो गया यहाँ से. यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ आगे पास तो कितना आगे पास आ रहा है, सॉरी वी इन एम एल बाई 1000 आगे पास, सॉरी बाई 1000 आगे पास यहाँ से, सॉरी 1000 एम एल में एक लीटर होता है ना, 1000 आगे पास यहाँ से कर दिया. तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ रहा है आगे पास, यहाँ से वैल्यू आगे पास आ जाएगा तो ये कितना हो गया 53 है ना. यहाँ पे वैल्यू कितना आगे पास, 125 डिवाइडेड बाई 5.3 आगे पास, 125 डिवाइडेड बाई 5.3 तो कितना आ रहा है पास यहाँ से, 25 से थोड़ा कम आएगा आगे पास, 25 से थोड़ा कम आएगा. अगर ये इधर देखो 5 होता तो 25 आता तो आगे पास कितना आएगा आगे पास 23.6 आगे पास. समझ में आएंगे, अब आपको कंप्लीट सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है आगे पास ना. अब इसको कंप्लीट देख इधर देखो, सिंपल अगर आप 5 लेते हो तो कितना आएगा आगे पास, 25 आएगा. ये वैल्यू थोड़ी सी बड़ी है तो 25 से आंसर क्या आएगा, कम आएगा. तो आंसर कौन सा आगे पास, ए ऑप्शन आगे पास. तो डायरेक्टली आंसर कितना आ गया 23.6 ml है ना. इस तरीके से सोल्व करते हैं, ऑप्शन पे भी देख लो एक बार है ना. एक्जैक्टली इसको कंप्लीट सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, टाइम बचेगा 10 सेकंड इसमें जाएगा तो डायरेक्टली वहां से स्मार्ट वे है ना, यू कैन सोल्व इन स्मार्ट वे आगे पास. क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ पे. तो अगला वेरिएशन इस टाइप से बनता है आगे पास ना, सिंपल. अब वहां पे क्या पूछ लेगा, वेट दिया होगा पहले तो क्वेश्चन में आपको, मोल्स थे डायरेक्टली ठीक है. अब यहाँ पे मोल्स नहीं, अब वेट के टर्म्स में आगे पास है तो बस सिंपली कर क्या रहे हो आगे पास, सिंपली इक्विवेलेंस बराबर कर रहे हो आगे पास है ना. अब ये जैसे कि अब यहाँ पे एन फैक्टर कैसे निकालोगे, सोल्ट है कंप्लीट रिएक्शन है. सपोज आपको प्रोडक्ट भी नहीं बनाना है ना आगे पास, बस जरूरत नहीं आगे पास ठीक है, डायरेक्टली आगे पास. हाँ भाई नेक्स्ट सवाल आगे पास, अगला सेम सिमिलर सवाल आगे पास है. रिएक्ट कंप्लीटली विद इतना ग्राम प्योर, व्हाट इज द नॉर्मलिटी ऑफ दिस एसिड सॉल्यूशन, तो है ना. तो अब इसको खुद से करो, इसका आंसर सही आना चाहिए. थिंक अबाउट इट, जो मुझे लाइव में देख रहे हैं बच्चों आप भी सोल्व कीजिए इसको, क्या आंसर आएगा. ऑप्शन सही आना चाहिए आपके पास है ना, इस बार नहीं है ना, सेम सवाल है बट पैरामीटर्स वेरी हुए हैं, तो ट्राई टू सोल्व दिस आपके पास. कितना आ रहा तो सिंपल क्या करना था, यहीं पे वही करना था जो लास्ट क्लास जो लास्ट में मैंने किया था, दोनों को इक्विवेलेंस बराबर कर दो है ना. इक्विवेलेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ H2SO4. तो यहाँ पे सिंपल आपने क्या किया, तो इक्विवेलेंस आपने बराबर किए कि इक्विवेलेंस ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ H2SO4 यहाँ पे. तो इतना एमएल ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन रिएक्ट कंप्लीटली आपके पास, तो इसकी नॉर्मलिटी में बोल देता हूं पास. यहाँ पे इसकी नॉर्मलिटी कितनी होगा आपके पास, 20. यहाँ पे नॉर्मलिटी को हम बोल देते हैं एन बोल देते हैं आगे पास है ना. यहाँ पे नॉर्मलिटी एन है तो एन इंटू 25 बाई 1000 आगे पास यहाँ से, तो यह किसकी वॉल्यूम हो गया आगे पास है ना. रिएक्ट कंप्लीटली इतने ग्राम आगे पास, तो इसके मोल्स कितने हो गए 106 इंटू एन फैक्टर कितना आ गया इसका, 2 आगे पास हो गया है ना. यहाँ पे इक्विवेलेंट मोल्स इंटू एन फैक्टर, तो यहाँ पे कैलकुलेशन तो और भी आसान हो गई. तो ये वैल्यू कितना हो गया, ये 1/50 आगे पास आ गया डायरेक्टली, 1/50 That is equal to normality into 1/40 आगे पास है ना, 1/40 ठीक है. तो normality का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, normality का वैल्यू कितना आ गया 4/5 आगे पास, 4/5 कितना हो गया 0.8 normal. आंसर क्या आ रहा है, डी ऑप्शन. कितने बच्चों का डी ऑप्शन आंसर है, सही है ना. समझ में आ गया, प्रीवियस सवाल में क्या था, प्रीवियस क्वेश्चन को देखो,
प्रीवियस क्वेश्चन को देखो आपके पास, यहाँ पे सिंपल आपके पास, यहाँ पे ऑलरेडी आपको क्या दिया होता, यहाँ पे आपको नॉर्मलिटी दी हुई थी, वॉल्यूम पूछा था, है ना। अगले सवाल में क्या किया, वेरिएशन कर दिया आपके पास, है ना, है ना, नॉर्मलिटी पूछ लिया, तो सिंपल है ना आपके पास की डिफरेंट वे से बस सिंपल वो पैरामीटर्स को वही वेरी करा देते। जैसे प्रीवियस ईयर में आपके पास ये सवाल आता है तो अगले साल वो क्या करते हैं, इस टाइप के सवाल को वापस फ्रेम कर देते हैं आपके पास, है ना। तो अपनी क्लास की इंपॉर्टेंस यही है कि भाई यहाँ पे थ्योरी होती है, इंपॉर्टेंट थ्योरी प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके पास, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो उस पर यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस करो, सोल्व करो, आंसर आए नहीं आए बट ट्राई गिव योर बेस्ट आपके पास, है ना। धीरे धीरे फिर आपके पास फिर बाद में घर के जाके करना कि PYQ करना आपके पास प्रीवियस ईयर, तो उससे क्या कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और ये चीज़ों को फिर बाद में रिवाइज करो तब फिर से सॉल्व करना। ओके क्लियर है, इज इट क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट सवाल आगे पास, आगे पास नेक्स्ट सवाल आगे पास क्या है ना, है ना, यहाँ पे दिया हुआ है भाई 50 ml ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ Fe+2 फेरस आयंस आपके पास है इन एसिडिक मीडियम कंप्लीटली रिएक्ट इतना ml ऑफ इतना मोलर Cr2O7 2- आपके पास डाइक्रोमेट आयन आपके पास हो गया, डाइक्रोमेट आपके पास है ना, ये आपके पास K2Cr2O7 आपके पास है यहाँ पे। तो ये आपके पास क्या होगा, ये क्या है बच्चों, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके पास। तो वो क्या करेगा, फेरस को किसमें भेज देगा, फेरिक में भेज देगा आपके पास। तो ये आपके पास क्या, फेरस को किसमें भेज देगा, Fe+2 को किसमें भेज देगा आपके पास, Fe+3 में भेज देगा आपके पास, और खुद किसमें चला जाएगा Cr2O7 2- में, और एसिडिक मीडियम में आपके पास दिया होता है आपके पास। तो ये क्या करता है आपके पास, खुद किसमें चला जाता है, Cr+3 में चला जाता है। तो यहाँ पे इसका एन फैक्टर कितना आता है बच्चों, इसका एन फैक्टर कितना आता है 6 आता था, और यहाँ पे इसका एन फैक्टर कितना आएगा बच्चों, एन फैक्टर आएगा आपके पास आएगा 1 आपके पास आएगा। द मोलरिटी ऑफ Fe+2 सॉल्यूशन इज ये वैल्यू इनटू 10 के पावर फाइंड राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर, बताओ भाई कितना इंटीजर वैल्यू इसका आंसर आएगा, बताओ जल्दी से, थिंक अबाउट इट, इक्विवेलेंस बराबर करो, आंसर निकालो, इक्विवेलेंस यहां पे नॉर्मलिटी और मोलरिटी बराबर आएगी Fe+2 के लिए, एन फैक्टर कितना आएगा 1, तो नॉर्मलिटी और मोलरिटी क्या आएगी बच्चों, बराबर आएगी, है ना। इक्विवेलेंट बराबर कर दो ना दोनों के, कितना आ रहा है आंसर, नियरेस्ट इंटीजर देखो, कितना आ रहा है, तो ये वैल्यू कितना होगा आपके पास, यहां से आपके पास वैल्यू होगी 24 आपके पास
आंसर कम्स आउट टू बी 24 आपके पास, तो आंसर क्या हो जाएगा 24 आंसर हो जाएगा आपका। कैसे किया आपने? सिंपल आपने किया इक्विवेलेंट ऑफ फेरस है ना, आयन इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ डाइक्रोमेट है ना, तो इसका इक्विवेलेंट नॉर्मल इनटू इसकी वॉल्यूम कितना 15 ml दिया हुआ है ना, थाउजेंड्स का हो गया तो लीटर में आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी नॉर्मलिटी इनटू इसकी वॉल्यूम आपके पास, इसकी नॉर्मलिटी कितनी होगी, नॉर्मलिटी को मैंने क्या बताया मोलरिटी इनटू एन फैक्टर आपके पास, तो इसकी मोलरिटी आपको दी हुई थी आपके पास, यहाँ से आपको 0.03 मोलर आपको दिया हुआ था, तो 0.03 मोलर इनटू ये तो आपके पास क्या हो गया बच्चों, ये तो आपके पास हो गया मोलरिटी, और ये आपके पास क्या हो गया दिस इज एन फैक्टर आपके पास, इसका एन फैक्टर आपके पास है इनटू वॉल्यूम 20 ml दिया होता आपके पास, तो यहाँ पे इसकी नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी को क्या लिखो मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एन फैक्टर आपके पास, इसका एन फैक्टर है ना, एन फैक्टर कितना आएगा 1 आएगा, तो इसलिए ना इसको जब सॉल्व करते हैं तो आपके पास वैल्यू कुछ इस तरह से आता है, तो फाइनल आपके पास आंसर क्या दिया होता, आंसर दिया होता x इंटू 10^-2 मोलर आपके पास ना, तो आंसर कितना हो जाएगा 24, आंसर कितना हो जाएगा 24, वहां पे एक ऑप्शन होगा 24 पे आपको टिक करना, नियरेस्ट इंटीजर है ना, ये आपके पास आएगा। आ गया समझ में, इज इट क्लियर टू एवरीवन, पक्का? नेक्स्ट सवाल देखो, हाँ अगला सवाल आपके पास है, थिंक अबाउट इट, सोचो एक बार है ना, पढ़ो एक बार है ना, जो बच्चे लाइव में देख रहे हैं बच्चों आप भी एक बार पढ़ो क्या आएगा आंसर इसका ना, थिंक अबाउट इट है ना, क्या सोचा आपने, बस सोचना है, क्योंकि तो सोच लिया सही करेक्टली सोचा तो आंसर भी करेक्टली आपके पास आएगा। यहाँ पे यहाँ पे आपके पास बोला गया है, अब सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, इन सबके मैंने आपसे एन फैक्टर निकलाया है, यहाँ पे क्वेश्चन में आपके पास बोला गया है इन ऑर्डर टू ऑक्सीडाइज ए मिक्सचर ऑफ 1 mole ईच, आपके पास सबके मोल्स आपको दिए हुए हैं, मिक्सचर आपके पास हो गया इन एसिडिक मीडियम, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KNO4 रिक्वायर्ड आपके पास, तो सिंपल आपके पास क्या जब है ना तो इनके आपको क्या अगर इक्विवेलेंट मिक्सचर के, जैसे पहले मैंने सवाल दिया था आपके पास फेरस सल्फेट था और फेरस ऑक्सिलेट था आपके पास है ना, वहां पे फेरस सल्फेट और फेरस ऑक्सिलेट वो मिक्सचर में दो कंपोनेंट था, दोनों के मोल्स आपको दिए हुए थे, तो आपने क्या किया इक्विवेलेंट्स ऑफ मिक्सचर इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ KNO4 वहां से, तो जैसे आपके पास ऑक्सीडाइज करेगा के पास, तो ये तो आपके पास कौन सा हो गया फेरस ऑक्सिलेट आपके पास हो गया, तो यहाँ पे प्लस टू से आयरन प्लस थ्री में चला जाएगा, C2O4 माइनस किस में चला जाएगा CO2 में चला जाएगा, तो एन फैक्टर टोटल कितना आ जाएगा आपके पास 1+2 3, तो यहाँ पे इसका एन फैक्टर तो कितना आ जाएगा बच्चों, इसका एन फैक्टर तो आपके पास आ जाता था 3 आपके पास, एन फैक्टर इसका 3 आता था यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे ये आपके पास था इसका एन फैक्टर कितना आता था, एन फैक्टर 1, क्यों प्लस टू से प्लस थ्री में जाएगा आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आपके पास है, प्लस टू से किस में भेजेगा प्लस थ्री में भेज देगा। अब ये देखो ये वाला कंपाउंड का मैंने एन फैक्टर निकलाया था आपके पास, यहाँ पे इसका एन फैक्टर कितना आएगा, एन फैक्टर कितना आएगा बच्चों यहाँ पे है ना, एन फैक्टर कितना आएगा 6 आएगा ना, 6 आएगा है ना, क्योंकि ये फेरिक है, ये प्लस थ्री में ऑलरेडी प्लस थ्री में है, याद आ गया उस दिन है ना, उस दिन लास्ट उस दिन मैंने बताया था आपके पास, और यहाँ पे कार्बन में कितने एटम्स आपके पास है 6 एटम्स है, कार्बन पे 1 का चेंज आता है, तो बस एन फैक्टर सबके आपको पता ही है, इन सबको मैंने निकलवाए हैं, तो आपको क्या करना आपके पास, आपको सिंपल करना है इक्विवेलेंट्स ऑफ दिस मिक्सचर इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ दिस, तो आपको सिंपल करना डायरेक्टली आंसर में करूं आपके पास निकलो 10 = 10/5, तो आंसर कितना जाएगा 2 आपके पास, डायरेक्टली देख के डायरेक्ट ओरली सोल्व हो गया है ना, क्या क्या बोल रहे हो, हाँ हाँ, तो इधर देखो एक्चुअली हुआ क्या होगा डायरेक्टली इसको अगर आपको एनफेक्ट आपके पास है ना, इधर देखो इन ऑर्डर टू ऑक्सीडाइज आपके पास, तो ये वाला कंडीशन आपके पास क्या था, ये वाला तो आपके पास क्या था कि Fe2O4 आपके पास था, तो यहाँ पे आयरन तो किस में जाएगा प्लस थ्री में जाएगा है ना, और C2O4 माइनस किस में जाएगा CO2 में आपके पास जाएगा आपके पास यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑलरेडी आयरन किस में था बच्चों, आयरन प्लस टू में था, और कार्बन किस में था प्लस थ्री में आपके पास था आपके पास है ना, यहाँ से तो प्लस टू से प्लस थ्री में गया, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या किया इसने लॉस किया आयरन ने, और कार्बन ने कितना गया यहाँ से प्लस थ्री में था तो प्लस फोर में, तो यहाँ पे किसमें गया प्लस फोर में गया, तो कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, कितने एटम से कार्बन में 2, तो टोटल एन फैक्टर कितना हो गया, एन फैक्टर यहाँ से हो गया टोटल 1+2 आगे पास 3 यहाँ पे, तो ये आगे पास एक एक केस हो गया। अब दूसरा आगे पास क्या था, ये फेरिक था आगे पास है ना, Fe2C2O4 थ्राइस आगे पास, तो यहाँ पे एक्चुअली होगा क्या, यहाँ पे आयरन क्या बच्चों, आयरन ऑलरेडी किसमें आगे पास है प्लस थ्री में आगे पास है, आयरन प्लस थ्री में, तो आयरन यहाँ पे कितना रहेगा प्लस थ्री में रहेगा आपके पास, ठीक है प्लस थ्री में रहेगा आगे पास, तो आयरन पे तो कोई चेंज नहीं है आपके पास, लेकिन यहाँ पे कितना आएगा आपके पास C2O4 माइनस में CO2 में चला जाएगा, यहाँ पे कितना है प्लस फोर है, इस वाले में कितना आ रहा है आपके पास प्लस थ्री आपके पास यहाँ से था, एक कार्बन पे कितना चेंज आ रहा है आपके पास 1 का, तो टोटल कार्बन कितना आपके पास है 6,
तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना हो जाएगा, यहाँ पे एन फैक्टर आ जाएगा, पास सिक्स एन फैक्टर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, ऑक्सीडाइज कर देगा ना इसको, है ना यहाँ पे। और अब आपके पास था सी, आपके पास एफ ई सी टू फेरस सल्फेट था, एफ ई प्लस टू को किस में भेज देगा, आपके पास एफ ई प्लस थ्री में भेज देगा, तो यहाँ से एन फैक्टर कितने का चेंज आ रहा है, एक का आपके पास, यहाँ पे एन फैक्टर कितना, वन। तो आपको सिंपल क्या फंडा अप्लाई किया था, अपने सिंपल आपने अप्लाई किया था यहाँ पे कि इक्विवेलेंट्स ऑफ मिक्सचर आपके पास, तो आपने लगाया था इक्विवेलेंट्स ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4, और KMnO4 क्या करेगा, खुद KMnO4 किस में जाएगा आपके पास, KMnO4 एसिडिक मीडियम में किस में जाता है आपके पास, प्लस टू में चला जाता है, है ना, यहाँ पे इसका एन फैक्टर कितना था, एन फैक्टर कितना आएगा, फाइव आएगा यहाँ से, बिकॉज Mn खुद किस में है, प्लस सेवन से, कितना चेंज, तो एन फैक्टर फाइव। इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सचर आपके पास कर रहे हो तो इक्विवेलेंट्स किसके, इसके इक्विवेलेंट्स, तो इसके इक्विवेलेंट्स कितने होंगे, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट्स किसके आ जाएंगे, तो यहाँ पे आपने इक्विवेलेंट्स ऑफ किसका किया, Fe2O4 प्लस इक्विवेलेंट्स ऑफ किसका किया आपने, यहाँ पे इक्विवेलेंट्स आपने किया फेरस सल्फेट, प्लस इक्विवेलेंट्स ऑफ आपने किसका किया आपके पास, यहाँ पे Fe2C2O4 थ्राइस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ किसका, KMnO4 आपके पास, KMnO4 का इक्विवेलेंट्स आपके पास, यहाँ से बराबर कर दिया, तो यहाँ पे आपने बराबर किए, तो इधर देखो इसके मोल्स कितने आगे पास, एक एक मोल आपको दिया हुआ है, 1 × 3 मोल्स तो बराबर है ना, एक एक मोल आपको दिया हुआ है, इसके कितने दिए आगे पास, 1 × 6, और यहाँ पे कितना दिया, 1 × 6 तो इसका, इसका फेरस सल्फेट था, 1 × 1 था आगे पास, है ना, 1 × था, और 1 × 6, और दैट इज इक्वल टू, इसके कितने मोल्स आपको चाहिए, एक्स मोल चाहिए, और फाइव आगे पास, तो आंसर कितना आ गया, एक्स का वैल्यू आ गया 10/5, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 आगे पास, तो ऑप्शन ए, बस सिंपल आगे पास, है ना। तो इसमें तो उनको इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, अब आपको इतनी एक्सपर्टीज हो चुकी है ना, तो जैसे मैंने आपको बताया डायरेक्ट ओरली सोल्व कर सकते हो आपके पास, है ना। तो अब जब ये सॉल्यूशन दिखेगा आपको, जब ये बोर्ड पे सॉल्यूशन दिखता है, तो आपको लगता है कि सर ये तो इतना बड़ा सॉल्यूशन इतने सेकंड में, नहीं 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 गलत है, ये तो सवाल ही लेंदी हो गया, आउट ऑफ लीग हो गया ना, पेपर टफ आ गया, है ना, पेपर तो बहुत टफ आ गया सर, लेंदी आ गया, लेकिन आपको ओरली कर सकते हो इस क्वेश्चन को आपके पास, है ना। सिंपल आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए ना, जैसे अपने बताया कि सिंपल आपने क्या किया, इसका अच्छा इसके इक्विवेलेंट बराबर करने हैं सिंपली, अच्छा इसका एनफैक्टर 3 है, इसका 6 है, इसका 1 है, तो मोल सबके 1-1 दिए हुए हैं, तो इधर कितना आ गया, 10 आ गया, इक्वल टू इसके मोल्स इनटू एनफैक्टर 5, तो 10/5, तो कितने सेकंड, 10 सेकंड के अंदर आप कर दोगे इस सवाल को, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपके पास, है ना, कि पहले तो इतने कंपाउंड के साथ रिएक्शन क्या क्या होगी, अब ये कंफ्यूजन हो जाओगे, लेकिन अपने को सिंपल पता है कि अपने को रिएक्शन से मतलब ही नहीं है, बिकॉज वी आर अप्लाइंग द लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस आपके पास, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या करता है, उनको ऑक्सीडाइज कर देता है, नेक्स्ट वाले स्टेज में भेज देता है आपके पास, ठीक है, PYQ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हो आपके पास, है ना। चलो नेक्स्ट सवाल करो आपके पास, अगला सवाल आपके पास करो, यहाँ पे नेक्स्ट सवाल आपके पास है ना, टू न्यूट्रलाइज कंप्लीटली इतना एमएल ऑफ सोल्यूशन ऑफ फॉस्फोरस एसिड आपके पास, H3PO3 आपको दिया हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ इतना केओस रिक्वायर्ड क्या होगा आपके पास, मतलब आपके पास जो रिएक्शन आपके पास दी हुई है, बस वो आपको दी हुई है H3PO3 प्लस KOH की रिएक्शन आपको दी हुई है, कंप्लीट प्रोडक्ट बनता है आपके पास, है ना। अब यहाँ पे मुझे रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, ना कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन आपके पास हो रहा है, तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन आपके पास हो रहा है, तो दोनों का इक्विवेलेंस बराबर कर दो, सी आंसर आ रहा है। एन फैक्टर कितना निकाला H3PO3 का, गुड, तो H3PO3 का इनफेक्टर कितना आएगा, 2 आएगा, ना वेरी गुड, है ना। तो बिकॉज ये क्या होता है आपके पास, पी डबल बॉन्ड ओ OH, है ना, OH और H आपके पास ये तो होता है, तो इसका इनफेक्टर कितना आएगा आपके पास, ये दोनों हाइड्रोजन तो रिप्लेसेबल होते हैं आपके पास यहाँ पे, तो इनफेक्टर कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। तो आपने क्या किया यहाँ से, सिंपली आपने कर दिया इक्विवेलेंट्स ऑफ H3PO3 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ KOH, दोनों के इक्विवेलेंट्स आपने क्या कर दिए, बराबर कर दिए, है ना। बोला गया टू न्यूट्रलाइज कंप्लीटली इतना सॉल्यूशन ऑफ फास्फोरस एसिड आगे पास, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट्स कितना हो गया, इसकी नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 200 ml डिवाइडेड बाई 1000 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इतना मोलर KOH आगे पास, इसकी आगे पास इसकी आगे पास कितना दिया, इसकी एन फैक्टर कितना होता है बेस का, 1 आता है बेस का, इसका एन फैक्टर कितना आएगा, 1 आएगा आगे पास इनटू वॉल्यूम आपके पास, ml में पूछा है तो आपके पास जैसे कि मैं आपके पास v बाई 1000 कर देता हूँ आपके पास, ये लीटर में आएगी आपके पास, तो लीटर में आपके पास आएगी, ये ml में करे आपके पास, ml में करो आपके पास, है ना, सॉरी लीटर में नहीं, तो ये तो आपके पास यहाँ से अगर करते हो आप यहाँ से, तो ये किस में आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ से आपके पास, क्योंकि यहाँ पे मैंने 1000 किया है, तो ये आपके पास किस में आ रहा है, आपके पास
ये लीटर में आपके पास आ रही है ना, यहाँ पे लीटर में आपके पास, आपको ml में पूछा है ना, तो इसका नॉर्मलिटी कितना दिया आपके पास, नॉर्मलिटी आपको कितना दिया हुआ 0.1, 0.1 इंटू n फैक्टर कितना आएगा 2 इंटू 1/50 और दैट इज इक्वल टू 1/10 है ना इंटू v इन लीटर आपके पास। ये कितना चला गया आपके पास वैल्यू, ये वाला वैल्यू की बात करोगे पास ना, है ना, आगे पास ये आगे पास ml में चाहिए ना अपने को, ml में चाहिए तो नीचे 1000 से डिवाइड कर दो, है ना, नीचे 1000 में डिवाइड कर दो आगे पास, है ना। आंसर किसने ml में पूछा है तो आंसर कितना आएगा आगे पास, v in ml कितना आ जाएगा, v in ml आगे पास आ जाएगा, ऊपर से 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 into 0.2 डिवाइडेड बाय 5 तो वैल्यू कितनी आगे पास, 200 डिवाइडेड बाय 5 तो कितना आ गया 40 ml, आंसर कितना आ जाएगा 40 ml, सी ऑप्शन विल बी योर आंसर्स। आ गया समझ में यहाँ पे, है ना, यहाँ पे रिएक्शन क्या बोला गया, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो रही है अपने आप, तो समझ में अपने आप आ जाना है इसका एन फैक्टर कितना रहा होगा 2 रहा होगा आपके पास यहाँ से। क्लियर, इज इट क्लियर टू एवरीवन, ओके समझ में आ गया यहाँ से। चलो नेक्स्ट सवाल आपके पास है, थिंक अबाउट इट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, पेन चलाओ भाई, ये हवा में नहीं, ऐसे हवा में नहीं होगा, हाँ पेन चलाओ, है ना, रीड इट, है ना, जो बच्चे लाइव में देख रहे बच्चों आप भी क्या करो, है ना, सोल्व करो, क्या आंसर आएगा, करेक्ट आंसर आना चाहिए, थिंक अबाउट इट, आराम से सोल्व करो, करेक्ट आंसर आना चाहिए। कुछ नहीं करना, सिंपल इक्वलेंट्स ऑफ एन एच इक्वल टू इक्वलेंट्स ऑफ H3PO4 करना, H3PO3 करना, और एक बार क्या करना, इक्वलेंट्स ऑफ दिस H3PO2 इक्वल टू ये करना, तो आंसर आ जाएगा अपने पास, है ना। तो सिंपल फंडामेंटल क्या रहेगा यहाँ का, एक पास रहेगा इक्वलेंट्स ऑफ यहाँ पे क्या आएगा H3PO3, एक केस में बना लो, और दूसरे केस में बना लो H3PO2, नेक्स्ट केस ये बना लो इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH इक्वल टू दिस आपके पास यहाँ से, तो एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन आपके पास यहाँ पे अगर आपको बात करना है तो कितना वॉल्यूम आपको चाहिए यहाँ पे, तो टू न्यूट्रलाइज आपके पास, तो यहाँ पे कितना चाहिए आपके पास, यहाँ पे बात करो यहाँ पे कितना हो गया 1 × 1 × ये वी आपके पास, ये वी आपके पास हो गया, तो H3PO3 न्यूट्रलाइज इतना ml ऑफ इतना मोलर आपके पास H3PO3, तो यहाँ पे इसका कितना हो गया इक्विवेलेंट नॉर्मलिटी एंड फैक्टर कितना आएगा 2 आएगा इंटू 50 आगे पास यहाँ से, 50 आगे पास यहाँ, तो वी कितना आ गया यहाँ से 100 ml आगे पास, 100 ml आगे पास, ये समझ में आ गया कि मैंने क्या लिखा है, ये मैंने लिखा नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, तो मोलरिटी NaOH की दी हुई एन फैक्टर कितना होता है आपके पास, NaOH का एन फैक्टर कितना होता है, एन फैक्टर कितना आएगा बच्चों 1, तो नॉर्मलिटी मोलरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम, ये लीटर में आगे पास है सपोज, है ना, तो डिवाइड बाई 1000 मैंने कर दिया, तो आपके पास यहाँ कितना आएगा, ml में था डिवाइड बाय 1000 आगे पास, ठीक है यहाँ पे, तो ml में आ जाएगा पास ना, यहाँ पे भी ml है, यहाँ पे भी ml में आ रहा है, तो डायरेक्शन ले दो ना 1000, यहाँ पे जाते इक्विवेलेंट्स ऑफ H3PO4, इसके आगे पास कितना दिया मोलरिटी, नॉर्मलिटी कितना हो गया n फैक्टर 2 आएगा इंटू 50, तो वॉल्यूम कितनी होगी 100, यहाँ पे तो देखो यहाँ पे सिंपल वही रखो आपके पास 1 × 1 × V, तो यहाँ पे H3PO2 का n फैक्टर कितना आएगा आपके पास, है ना 2 × 1 मोलर आपको दिया हुआ है और वॉल्यूम कितना 1000, तो कितना आपके पास आंसर आएगा 200 डायरेक्टली, कितना आंसर आया था थर्ड ऑप्शन, वेरी गुड, है ना सही, थर्ड ऑप्शन आंसर था, देखो बच्चों लाइव में किसके आंसर थर्ड ऑप्शन आ रहा है, ओके ठीक है क्लियर है, यहाँ तक समझ में कर सकते हो, बार आराम से कर सकते हो क्लियरली। यहाँ पे अगला सवाल आपके पास है, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल एग्जैक्टली ऑक्सीडाइज इतना ml ऑफ एसिड सॉल्यूशन ऑफ इतना मोलर ऑक्सीलेट आपके पास, तो बस क्या करना है ना, थिंक अबाउट इट, ये नेक्स्ट सवाल है, सोचो क्या करोगे आपके पास, सोचा क्या आपने, यहां पे सॉल्यूशन विल एग्जैक्टली आपके पास ऑक्सीडाइज करना, तो इसके इक्विवेलेंट के बराबर आना चाहिए, बस ऑप्शन में इक्विवेलेंट निकाल दो जल्दी से, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम कर दो इसका आयरन इधर देखो, आयरन ऑक्सीलेट आपके पास है, ये कितना हो गया Fe2O4 आपके पास है, एन फैक्टर कितना आता है इसका, एन फैक्टर कितना होता है फेरस ऑक्सीलेट का 3 आपके पास,
है ना, प्लस टू से प्लस थ्री और के पास यहाँ पे कितना आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है। नहीं यार आंसर आएगा डी ऑप्शन, आंसर विल बी डी ऑप्शन आपके पास। सोचा आपने कैसे, सवाल समझ में आया? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल एग्जैक्टली ऑक्सीडाइज इतना एमल ऑफ एसिड सॉल्यूशन, ये आपको दिया हुआ है एग्जैक्टली आपके पास, एग्जैक्टली ये एसिड सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, जिनमें से कौन सा सॉल्यूशन वो होगा जो एग्जैक्टली इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, जब इन दोनों के इसके इक्विवेलेंट के बराबर इसके इक्विवेलेंट होंगे कोई तो ऑक्सीडाइज करेगा, तो आपके पास क्या होगा कि इक्विवेलेंट्स ऑफ यहां पे एसिड सॉल्यूशन आपके पास है ना, आपके पास एसिड सॉल्यूशन कौन सा आपके पास है, Fe2O4 आपके पास, दैट इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन आपके पास, इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन आपके पास बराबर आना चाहिए आपके पास है ना। तो यहां पे तो इक्विवेलेंट्स ऑफ Fe2O4 कितना होगा, तो यहां से अगर आप निकालोगे तो इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन आपके पास, यहां से KMnO4 सॉल्यूशन आपके पास कितना आएगा, इसके इक्विवेलेंट आपके पास, इसके इक्विवेलेंट कितना दिया हुआ है यहां पे आपके पास हो गया, इसकी नॉर्मलिटी मोलरिटी इनटू n फैक्टर 3 था इनटू 25 आपके पास, 25 ml आपके पास है, तो ये आपके पास इक्विवेलेंट आपके पास है, तो या मिली इक्विवेलेंट कर लो आपके पास है ना, एक ही बात आपके पास है ना, मिली इक्विवेलेंट आपके पास अगर मैं बात करता हूं इक्विवेलेंट है ना, तो ml में चल रहे हो आपके पास उससे कर लो है ना, तो वैल्यू कितना आगे पास 7.5 आपके पास है ना, तो यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट की अगर मैं बात करता हूँ मिली में है ना, तो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम किसमें आएगी, एमएल में आपके पास आएगी, ठीक है 7.5 आपके पास किसमें आपके पास है, दिस इज इन द एमएल आपके पास, दिस इज इन द एमएल, क्लियर है, तो 7.5 मिली इक्विवेलेंट आपके पास आने चाहिए है ना। तो इसमें देखो इसमें कितने मिली इक्विवेलेंट आपके पास आ रहे हैं, यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट अगर मैं निकालता हूँ, यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट निकालो बच्चों कितने आ रहे हैं, यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट इस वाले में मिली इक्विवेलेंट कितने आएंगे, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन एमएल के पास, तो कितना हो गया 0.5 इनटू कितना आ गया आपके पास यहाँ से, हाँ कितना आ गया आपके पास, तो 12.5 है ना, 12.5 आपके पास यहाँ से, यहाँ पे कितना आ रहा है 25 आपके पास, यहाँ पे 25 आ रहा है ना आपके पास, 0.2 इंटू 5 तो कितना आ गया 0.2 इंटू 5 1 इंटू 25 आपके पास, यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे आपके पास आ रहा है 0.6 इंटू 5 इंटू 25 आपके पास, कितना आपके पास ये 75 आपके पास, यहाँ पे जब देखो ये कितना आ गया आपके पास कि नॉर्मलिटी 0.1 इंटू 5 इनटू 15 आगे पास, कितना आगे पास 7.5, आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा आपके पास। सो अगर आपको अच्छे से एन फैक्टर निकालना आता है, आप कोई भी केमिकल रिएक्शन में आपके पास हो गया तो एन फैक्टर निकालना क्या आता था, तो सिंपली आपको क्या करना है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस हमें क्या कहता है बच्चों, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस हमें सिंपली बताता है इक्विवेलेंट्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म आपके पास जो होगा, रिएक्टेंट के इक्वल अमाउंट रिएक्ट करेंगे और वही आपके पास क्या इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देंगे, तो इस तरह से आपके पास क्या था कि इस तरह से आप लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस आपके पास, तो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन आप कर चुके हो आपके पास ना, तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगा, जो भी आपको अगर आपको देखना है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है तो आप अपने PYQ कीजिए है ना, आज ही जाके PYQ कीजिए, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस पे जो आपको मटेरियल मिला हुआ है उसको सॉल्व कीजिए आपके पास, तो नेक्स्ट क्लास में जब आओगे तो हम उसको डिस्कस करेंगे आपके पास है ना, कि इसके रिलेटेड कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चन है तो वी कैन डिस्कस आउटसाइड द क्लास आपके पास। ओके बच्चों यहाँ तक क्लियर है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, तो ठीक है, तो आज की क्लास है ना, तो यहाँ पे जो बच्चे सेशन में नए हैं बच्चों उनको मैं बताता हूँ कि टेलीग्राम चैनल है, इस लेक्चर का पूरे नोट्स आपको वहाँ मिल जाएंगे, क्लासेस का शेड्यूल होता है आपके पास, कि टेस्ट और क्विज के जो पेपर होते हैं वो आपको मिल जाएंगे, तो ज्वाइन दिस चैनल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए आपके पास, लोकेश सर केमिस्ट्री के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल आपके पास है यहाँ पे, और टेलीग्राम ग्रुप में आप मेरे से डाउट पूछ सकते हो केमिस्ट्री के पास, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है बच्चों ना, ज्वाइन कर लीजिए, इसको पेज का स्क्रीन शॉट लीजिए, और द ग्रेट होल नीट आपके पास ना, इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए आपके पास, अनअकैडमी चैनल आपके पास है सॉरी ना अपना, और प्लस और आइकॉनिक की मैं बात करता बच्चों, ये आगे पास क्या आता है आगे पास, अगर आप स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज कोर्स आगे पास मिलते हैं आपको बिल्कुल है ना, पेड क्लासेस आगे पास है यहाँ पे, तो प्लस में लाइव क्लासेस थी, स्ट्रक्चर्ड कोर्स था, अनलिमिटेड एक्सेस था, वीकली टेस्ट है पूरा, तो एक एग्जाम को करेक्ट करने के लिए आपको एक अच्छा टीचर आपको चाहिए था, तो इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको यहाँ टीच करते हैं,
और एक अच्छे टेस्ट हो आपके पास, है ना, वीकली टेस्ट आपके पास होते रहे तो आप किसी भी एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं आपके पास। और फिर आपको एक मेंटोर चाहिए जो आपके प्लान्स को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करे, वो आपको मिलता है आइकॉनिक में, जो आपको पर्सनली गाइड करता है। वहाँ पे टेस्ट एनालिसिस होते हैं, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटीरियल और स्टडी प्लानर्स आपके पास होते हैं आपके पास यहाँ पे। और जब मैं प्राइसेस की बात करूँ, नीट आपके पास है, प्लस और आइकॉनिक की प्राइसेस की बात कर रहे थे बच्चों, प्लस आपके पास अकॉर्डिंग टू प्लान आपको चूज करना टारगेट एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, कि 6 मंथ है, 1 साल है या 2 साल आपके पास है ऑलमोस्ट, है ना। तो जितने लॉन्ग टर्म का कोर्स परचेज करते हो प्राइसेस उतने ज्यादा क्या होते हैं, अफोर्डेबल हो जाते हैं। और जब आप मेरा कोड यूज करते हो लोकेश चौधरी, है ना, नीट आपके पास, तो आपको क्या होता है 10% डिस्काउंट आपको मिल जाता है, पूरे साल भर का कोर्स आपको इस अमाउंट में मिल जाता है। और इंडिया के टॉप एजुकेटर अगर आप इसको यहाँ पे टीच कर रहे हैं और ऑफलाइन से अगर कंपेयर कर सकते हो आप, है ना, तो यहाँ पे अब आइकॉनिक की प्राइसेस की मैं बात करूँ, आइकॉनिक में आपके पास ये फीचर एक्स्ट्रा रहते हैं आपके पास, तो वहाँ पे भी अगर आप अपना प्लान को चूज कर सकते हो, लाइव मेंटरशिप, लाइव डाउट सॉल्विंग, पर्सनल गाइडेंस, बहुत सारे फीचर एक्स्ट्रा थे, तो अकॉर्डिंग टू प्लान आप जा सकते हो, थोड़ा सा अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, फीचर्स एक्स्ट्रा होता है। जब आप 10% डिस्काउंट आपको मिल जाता है जब आप मेरा कोड यूज करते हो लोकेश चौधरी नीट आपके पास LC नीट, तो पूरे साल भर का कोर्स इतने अमाउंट में आपको मिल जाता है आपके पास, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम आपके पास, थैंक यू एवरीवन, और मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन आपके पास, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो कैसा लगा आपके पास। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।